लुक चेक करो, माशाल्लाह उमेरिया गुजुड़िया बैठे। आपने जो हैवल गाड़ी बोली थी ना भाईजान, वो मैंने मंगवाई भी है, आप आ जाए वो ले जाए गाड़ी, चेक कर लें, ले जाए गाड़ी। ये भी और आपने मीटर देखना है और आवाज सुननी है टायरों की, चले। क्या बात है व्यूअर, बस 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 आगे आगे किसी चीज को लगने वाली है। और जड़ी इस गाड़ी देख ना, सब तो मजे की गाल है, जब तक गाड़ी के बंदा पेमेंट ना कर लेना तब तक दिल में एक झिझक सी लगी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तब ऐसा ठीक है। मैं मोहम्मद शहजाद सदीक पर यूट्यूब चैनल वेला मुंडा। सुबह सुबह दी बिजली कोई नहीं, बिजली 6 बजे दी गई हुई है और सारा यूपीएस भी खत्म थी चुके हैं। टाइम थी ना पे 2:03। व्यूअर मैं हाले बिजली का गिला कीता ही हां, तेनु बिजली आ चुकी है 188 वोल्ट आंदा पे। बिजली ने गिला अपना सुनना गवारा नहीं कीता, पर मिनट तो पहले पहले बिजली आ गई। तो इही बिजली आवण दी खुशी सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तोला शुरू करें आज मजेदार वीडियो। कैमरे सारे चलदे पैन ते एलसीडी को ऑन कर देने। मैं कपड़े पाती खड़ा ना, बगैर इस्त्री दे पाती खड़ा, तो बिजली यही है तो कपड़े बह चार देना, छोरा को इस्त्री कर देना और वो पैसा चेंज करे सा। शायद आज ऐसा मुल्तान जिलो, मुल्तान के कण जिलसो अगर कन्फर्म थी ना तो दसा ना, तो दसा हे गुड न्यूज अगर वह नहीं था। तू लेर एक काला सूट सारा इस्त्री करी, आहो जिदा तेरा रंग कारीगर साहब ने आखिया टाकी क्या करें दे बेगो? शीशा माड़ा जहा साफ करना, माड़ा जहा ना करो चंगा जहा साफ कर दे। बैठक का शीशा जरा दे पे सामने वाला, इन्हें तो ना छोटे छोटे दाग लगे खड़न, ये देखो वो देखो ये सामने ये दाग है पिया। यस तो सा विंडो देते देखो ना, विंडो दे ये सामने ये दाग लगे खड़न, तो इन्हें को मैं यार ये भी साफ कर दो ताकि ये बुरे ना लगे, क्योंकि ये सामने वाली विंडो देखो ये इन्हों ते भी सारा वाइट कलर लगा खड़े, तो मैं एक साफ करो ताकि खूबसूरती इजाफा थी कमी ना हो। हाँ जींदा रहा है, जींदा रहा है, जींदा रहा है, जींदा रहा है। एक क्या चीज़ लगी खड़े पानी, तो मैं जुलता क्या घर के बाहर हूँ और घर के बाहर हूँ लुक थोड़ी दिखे ना, जितना बाज लगा हो उत्ते हाल तो कैमरा बड़े नहीं फिरेंदा, तो उत्ते दी दिखे ना कि उत्ते जी खपरैल लगी हुई वो इन्होंने कलर कर छोड़िए, तो दूर कैसी लगती पी है। मैं वो उस जगह पर ना खाले के पार उतों कट के दिखा सा, क्योंकि दूर तो लुक ज़्यादा प्यारी नज़र आ सी, खाले के पार आ चुका ना, हूँ घर मेरे बिल्कुल सामने नज़र आता पे, थोड़ी दिखावा उत्ते की लुक कैसी नज़र आती पी। 1, 2, 3, go चेक करो, कड़ो जूम करो ना, चेक करो ये सामने देखो इन उत्ते जड़ा ना लाल कलर थी चुका है, खड़ो बिया जूम करे ना, ओ जी ये बिया जूम थी चुका है वे, ये कोठी मेरी कैसी नजर आती पी है। हाले ये लाल कलर कंप्लीट कोई नहीं, ये सिर्फ खपरैल उत्ते लाल कलर थी आ गए, बाकी इन इर्द गिर्द जड़े बार्डर हैं पे ना उन्होंने उत्ते मजीद कलर चेंज थी सी, बाज उत्ते बाज दे कलर चेंज थी सन, तो मजीद हाले काम ढेर सारा पै थे थोड़ा फिलहाल की लुक दिखा पिया हमें, तो सा दसाए थोड़े कैसी लगती पी है विदाउट बार्डर के विदाउट शेड हाले आने उस बाद लुक दसन अपने ओरिजिनल। जो मेरे कपड़े उत्ते लूत चमड़ गई, मैं थोड़ा ललवेंदा खड़ा मीडिय देखो हाथ को खादी है, अज मौसम का थोड़ा हाल देव शदीद किस्म की गर्मी है भाई, सामने सूरज सिर के उत्ते खड़े थे बिल्कुल सिर की चोटी के उत्ते, तो तेज गर्मी आती पी 5 मिनट तो ज्यादा बंदा गर्मी उत्ते नहीं खा सकता इतनी शिद्दत है गर्मी की। बंद हो जा सिम सिम, बिजली ना होने की वजह तो ना जी सा छत के उत्ते वही टैंकी पई थी ये भी खाली थी चुकी है, क्योंकि रंग रोगाने ना कोई पानी की जरूरत आई और छोहर धाते धूते इस वजह तो सारे ने पानी इस्तेमाल किया ना, ये टैंकी भी खत्म थी चुकी है, हूँ बिजली आई है ना तो अद्धी टैंकी थी चुकी है। राज भाई दे कबूतर घुटर गूं लई वद ए छत दे उते आखणे ते हुण जरा देखो खपरैल को देखो अद्धी डू रंग थी चुकी है अद्धी हाले रांधी पिए, बाज भी अद्धा वाइट कलर थी आखणे मजीन दे शेड आवणन काले कलर दे। ओए किदे छुट्टा वने किदे गेट क्यों खोला वजा विवर है हमसाए मेरे दादे हम दा छुअरी वे ई गेट ते आए ते गेट सारे सामने सा बंद करके गया से तो लवल्ला वेंदा उत्तू बलण वास्ते के बाहर दे ओ गेट खुले खणन जड़े पुराने घर देने पे तो जवान उड्डू वलण में पिया वाता किसी डू गेट खोल मैं खोल देना जी पुत्र ओए हैं हट हट क्यों अरे वाह ली मैं थाए वदन जी मैं कुत्ती राड खिंडा गई होवे दामणा है ओए लाठे के ना गया तो धा से साडे घर अन्ना भाई मैं सेट कालू हूं मैं तू है सेट कालू इदो स्टोर रूम दे उते रंग थींदा पे खिच के रख बेस्ट ऑफ लक ई रूम दा जरा विजिट करो
ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਐ ਵੇਲਾ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਓਏ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੱਟ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਚਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛਿੱਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਪਿਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਆਹੋ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰ ਘੱਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ, ਐਡਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਅਪਲੋਡ ਥੀ ਵੈਸੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਪਾਂ 3:00 ਤੇ 8 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਆਪ ਆਪਨੇ ਜੋ ਹੈਵਲ ਗਾੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਆ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏ ਗਾੜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗਾੜੀ ਉਹ। जी ठीक है उमर भाई, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह, एक घंटे के बाद आपके पास होंगे। अभी 4 बजने वाले हैं, 5 बजे आपके पास होंगे। राज तू बह, असा जरा मुल्तान वेंदे पे। हाँ ठीक है व्यूअर, गुड न्यूज ये पई के असा रवाना थी पे मुल्तान। वॉइस में तो सुन गई दोसी किकन वेंदे पे हेवल गाड़ी देखन, न्यू मॉडल। हाँ न्यू मॉडल हेवल गाड़ी देखने जा रहे हैं, हेवल सॉरी हेवर कह रहा हूँ। तो हेवल आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर मैंने देखने जा रहा हूँ, और क्योंकि मैंने आज तक हेवल कभी जिंदगी में देखी नहीं। मैं चिंगान ओशान X5 नाला तू करके, मैं फिलहाल मेरा जाती माइंड है और रिवो रोको दाए पिया, लेकिन व्यूवर्स की भी डिमांड है कि भाई जान तुम एक बार हेवल भी देख गिनो, फैसला बेशक बाद कर गिनो। इंशाल्लाह देख सो हेवल कर दे, हेवल ले दे, और हेवल दे ऑप्शंस दे दे कि ऑप्शंस कैसे हैं पे, हेवल गड्डी कैसी है भाई, और यूट्यूब तो मैं एडिट होना डैशबोर्ड कमाल है अगला। अच्छा जो भी है, खैर थोड़े सामने से व्यूवर थोड़े पे दिखाने, तुम घर रहो, इन रंग रंग ला दी कोई टहल सेवा करो, इनो कशे जरूरत होवे रंग रंग लेना कोई ना दियो कराए तुसा, असा वेदे पे मुल्तान तक। ठीक है मेरे सोने मेरे बबलू, एक सिर्फ खावन ते गाले सुनावन दे अलावा बिया कोई काम को नहीं था, रंग रोगांदा इंदा बहाना है पे था। कंगी शंगी करके कपड़े शपड़े चेंज कर गी दे मी, क्योंकि मुल्तान में दे पैसे ना, पहले तो थोड़े से बगैर इस्त्री वाले पाती खड़े से, तो मुल्तान थक पता एडा वड्डा सिटी है, ब्रांड लोगों का वड्डे लोगों का शहर है, तो मत यार चलो असा वड्डे नहीं से, चलो वड्डियां जें तो थी वनो, चलो रल तक खड़ो यार, वादे नहीं कोई खिले ना, चलो मुस्के तक खड़ा, कपड़ा मार जानो फिर साफ कर दे, नहीं तो सारी धूड़ मिट्टी थे खड़े दे पियो। लेकिन ये आल्टो की चाबी है, इन्हें चेक करो इन्हें कपड़ा हो सही, वो कपड़ा को लेंदे वदन जनरल सिविक साफ करनी ने। ओके मिल गया, लभ गए जरा रंग रंग करेंदे रह गए ना, उत्तो रंग रंग दे टिपके डठन, ये उत्ते स्क्रीन दे उत्ते बैक स्क्रीन ते थोड़े निशान पै खड़न, ये जले गिला कपड़ा मरे सोना साफ थी वे सी। मार नु जा ना ना बहु ना, हुन टाइम को नहीं, बहु ना समय दे पे, चाबी उत्ते दे, बल शामी मिलदे ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के गड्डी दा एसी ऑन करके ते रवाना थई वेंदे सारी होंडा सिविक। फिलहाल टाइम थींदा पे 4:08 ਦੇਦ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹੇ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਮੈਰ ਬਈ, ਹੈਵਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਦਾ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਹੈਵਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਪਏ। ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਤੋਂ 43 ਮਿੰਟ ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਲੇਰ, ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਖਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਿਆ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ 5:30 ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਸ਼ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੋ HS ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ HS ਮੋਟਰ। ਹੋਏ 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 ਜੋ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ HS ਮੋਟਰ, ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹਟਵਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣ ਡੇ ਵਿਊਵਰਾਂ ਕੋ, ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਓ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਰੰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਵੇਂ ਬਦ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਮਰ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ,
उमर भाई की सीट, लेकिन उमर भाई था अवेलेबल कोई नहीं फिलहाल। उमर भाई के ऑफिस में सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, पूरा मुल्तान दिख रहा है ऐसे। आए बॉस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मसाला बागा की शादी करा रहे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अभी हम बाहर जा रहे हैं। हेलो, आप आगे बैठो। नहीं नहीं, आप आगे बैठो। नहीं भाई, मैं तो पीछे बैठूंगा। दोनों पीछे बैठते हैं, फिर हम पीछे बैठेंगे। रवाना है वहाँ पर, जिस जगह पर वो गाड़ी खड़ी हुई है, जिसका मैंने उमर भाई को बोला हुआ था। अभी चल के गाड़ी देखते हैं। अच्छा, जिसके पास हम ये गाड़ी देखने जा रहे हैं ना, वो भी आगे से ना सेलिब्रिटी है, जो क्रिकेट के शौकीन है, वो तो उनको जानते ही होंगे ना। शुएब मकसूद माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। ये मैं आपको जिनको नहीं पता दिखा देता हूँ। ये सामने ये देखें, ये शुएब मकसूद साहब है ना, इन्हीं के पास वो गाड़ी खड़ी हुई है और वही देखने जा रहे हैं। ये देखें, ये उनकी शुएब मकसूद साहब की वीडियो चल रही थी, तो उन्हीं के पास वो गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ से कितना दूर है भाई? बस 5 मिनट। तो अगर उन्होंने वीडियो अलाउ की तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज आपको पता है इन लोगों की काफ़ी प्राइवेसियाँ होती हैं। अगर वो प्राइवेसी का अलाउ करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, अदरवाइज हम उनको वीडियो में नहीं लाएंगे। फिलहाल व्यूअर हम पहुंचे हैं इनोवेटर कार पे, भाई साहब की जो शॉप है ना, इसके ऊपर अगर आपने कोई गाड़ियाँ वगैरह मॉडिफिकेशन करवानी हो तो ये कौन सी लोकेशन पे, क्या नाम है दुकान का? ये इनकम टैक्स ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट है, नवा शहर में, इनोवेटर्स कार रीस्टाइलिंग के नाम से। जैसे कि मैं कार मॉडिफाई करवाने का बड़ा शौकीन हूँ, तो ये भाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं लेवल के, नेक्स्ट लेवल के। अंदर आपको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करते हैं। फेस शिफ्ट वगैरह गाड़ियों के। अच्छा माशाल्लाह, उनके बम्पर वगैरह चेंज करने हो, लाइटें वगैरह, रोल बार्स लगते हैं। अच्छा, साउंड सिस्टम जिसमें बुफर वगैरह लगवाने हो, शौकीन म्यूजिक के, गाड़ी से मुतल्लक मॉडिफिकेशन में जो चीज़ है इंशाल्लाह आपको अवेलेबल मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम जो न्यू ले रहे हैं फिर आपसे मॉडिफाई करवाएंगे। हाँ जी, क्योंकि अभी हम सीवे पे इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम इसको बेचने वाले हैं। भाई जान की शॉप देखने आए थे, शॉप देखने के बाद हम फिर कंटिन्यू हुए हमारा सफर हैवल गाड़ी देखने के। हैवल है या हवाल है? हैवल कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा, व्यूअर ये सामने माशाल्लाह गाड़ी खड़ी हुई है हैवल, ये आपको दिखाते हैं इसका रिव्यू करके। वो जो भाई है ना, उन्होंने बोला कि हमारी वीडियो मत लाइएगा क्योंकि हमारी कुछ प्राइवेसी है, तो इसलिए मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि इन लोगों की बड़ी प्राइवेसियाँ होती हैं, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। गड्डी उन्होंने भाई उन्होंने बारू कट के दे दी थी, थोड़ा पहले गली दी ना राइट साइड दी लुक दिखाने, राइट साइड की लुक माशाल्लाह, लाइट साइड तो काफ़ी छकास छकास लुक रही पी है। हूँ असा जुड़े पे बैक साइड से, और बैक साइड तो थोड़ा लुक दिखाने, राइट तो दिखा देते मैं ना, बैक साइड की लुक चेक करो माशाल्लाह, बैक साइड तो फुल फॉर्चूनर वाली लुक रही पी है, जिम्मे लजेंडर है ना, सेम उस तरह की लुक है पी, लाइट जी बिल्कुल फुल है पी, फुल लाइट मेरे को ज़्यादा प्यार लगती है, जिमें कि सनाटा की लाइट नहीं उमें लाइट है पी। इधे मेरी देती पे तो इन उत्ते वा सारा लिखा खड़ा है HAVAL हैवल, तो इन 750 गड्डी का नंबर है पिया। हूँ तो दिखाना इन खबी साइड की लुक माशाल्लाह, ये इन खबी साइड की लुक है पाई, और हूँ मैं तुम्हें दिखाना इन फ्रंट लुक फुल एंड फाइनल, क्योंकि मेरे को गड्डी फ्रंट तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है हैवल जी ना, मैं इधर व्यू दिखे माशाल्लाह, इन फ्रंट की लुक चेक करो तुम, उत्तू तो सेम पुराने गड्डियों तरह है पी, लेकिन ये जो इन सामने ये चीज़ है ना, ग्रिल्स रेंद्र गलबन ग्रिलें मेरे को बड़ी लैवल की लगती है, छोटे छोटे इन जो टिमकिन ना ये बड़े खूबसूरत इन पे, और इन्हें तुम लाइटा चेक करो तो थोड़ा इतना LED लाइटा मिल वन मेन प्रोजेक्टर, और खूबसूरत चीज़ वास्ते छोटी जी ये लाइट है पी, ये सामने इंडिकेटर टाइप के चीज़ें पियाँ, और थले फॉग लाइटा भी हैं पियाँ, और इन्हें वे वे सेंसर भी हैं पे, ये तो सामने सेंसर लगे खड़न, तो हूँ असा गड्डी के अंदर जुलद है और थोड़ा अंदर की लुक दिखाने, तो जो इन शीशे खड़न थे ना ये भी आटो इन पे फुल, और ये बड़ा खूबसूरती आला स्टील आला इंदा ये लगा खड़ा है, बड़ा खूबसूरत लुक है पाई, इतों तो स्मार्ट एंट्री भी कर सकते वे, बटन दबा के एंटर भी थे सकते वे, तो माशाल्लाह इंदी गेट दे तो लुक चेक करो, गेट दे उते मैरून इंटीरियर ने आ ब्राउन ब्राउन इंटीरियर इंटीरियर मैरून इंटीरियर। अच्छा मैं ब्राउन ब्राउन कह रहा हूं, मैरून इंटीरियर में है, तो माशाल्लाह इसके ऊपर ये जो चीज लगी हुई ना रेड रेड, इसको रेड कलर बोलेंगे, रेड इंटीरियर भी कहते हैं, मैरून भी कहते हैं। हाँ, ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है, और यहाँ से आप इसके गेट के जो बाकी शीशे वगैरह सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पर गेट में काफ़ी स्पेस है, एक कप होल्डर भी है, और सबसे मेन चीज़ जो है मुझे इसकी अच्छी लगती है वो ये इसकी जो सीटें हैं ना आगे और पीछे ऊपर नीचे, ये इसके ना ऑटो इलेक्ट्रिक है, मतलब बटन आप प्रेस करें, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें पीछे से आगे आ रही है ये चीज़, और अगर इसको पीछे करता हूँ तो ये पीछे जाएगी, और अगर इसको आगे करता हूँ ये देखें सीट आगे जा रही है, ये ऑटो इलेक्ट्रिक है ये चीज़ें, और इस बटन का मुझे इस्तेमाल का नहीं पता ये क्या चीज़ है, और जो नंबर ये आती है बैक से स्पोर्ट आती है। अच्छा, अगर आप इसको प्रेस करें
अच्छा ये चीज निकलती है, निकल रही है हाँ, ये चीज स्पोर्ट बाहर निकल रही है। ओके 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 ओके, गाड़ी चलाने के बाद जो कमर थक जाती है तो आप इसको, हाँ अगर कमर थक जाए तो फिर इसको ऑन करें और कमर थकावट खत्म हो जाएगी। और दूसरी जो ओशान में हमने ऑप्शन देखा था कि इसकी जो सीटें ना वो हॉट एंड कूल होती हैं, मतलब ये छोटे छोटे आप सुराख देख रहे हैं इसके अंदर, इन सुराखों से इसके अंदर ना मतलब ठंडक और जी जी काफ़ी खूबसूरत सीटा है ना जी, मैं स्पोर्ट्स कार आने ना सेम स्पोर्ट्स कार आता है ना सीटा दी लुक है भाई माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल ठीक है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या हाल है ठीक हो गईबू कसरानी माशाल्लाह, क्या हाल कसरानी साहब ठीक है ठीक है ठीक है जबरदस्त। मैंने पहले तो उड़ीसा से आएंगे भाई उनको सलाम कर चलो मोहब्बत से अल्लाह पाकिस्तान को सेवा करो तो मेहरबानी सर अल्लाह पाकिस्तान बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर हूँ फास्ट एंट्री गड्डी देना बह के करेने क्योंकि फास्ट एक्सपीरियंस आदनी इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। वाओ इतना तो बह के इवें लगता पे जिमें बंदा स्पोर्ट्स कार के उत्ते बैठा हो, सीटों के बहन का जरा लैवल है ना आउट क्लास है। और इस कार में जी सब तो अच्छी चीज़ लगी है ना, पीछे गाड़ी आई है एक मिनट में आगे, अच्छा ठीक है हम बाहर आ जाते हैं, पीछे कोई गाड़ी आ गई इसको रास्ता देना है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो रास्ता दे लें उसके बाद आप गाड़ी को चेक कीजिएगा, चेक करो गाड़ी को जाता हो सर। लव यू टू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। बैक लुक चेक करें हाँ माशाल्लाह काफी जबरदस्त लुक है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बाकी छोटा गाड़ी का वंजना चेक करो, लुक चेक करो माशाल्लाह, उमेरी अगू जुड़िया बैठे चेक करो, अगर ऐसा एक गाड़ी गिनू तो सबको सूट करे सी को ना चेक करो। और जड़ी इस गाड़ी दे ना सब तो मजे की गाल है भाई वो ये है भाई कि गाड़ी हाइब्रिड है भाई, हाइब्रिड तो मुराद है कि ये बैटरिया से चार्ज दी है, मतलब इनकी फ्यूल एवरेज जी है ना वो बहुत अच्छी है उसकी। हाँ जी पिछू जैटन ना खास तौर बड़ा खूबसूरत लगे अट्रैक्ट करे दूरों बंदे को, हूं तो अंदर बह के ना हूं तो ऑप्शन दिखा ने अंदर इनकी टेक्नोलॉजी है ना वो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब गड्डी सफर करें दी पी और अगू सफर के दौरान कशे आ गई अगू या पिछू ये खुद ब्रेक मरेंदी है, ये वजह गड्डिया शामिल है पाई ना, मतलब इनकी जी कीमत है हाजिर नवी दी इसकी कीमत नहीं पता लेकिन जी न्यू है बिल्कुल जीरो मीटर उनकी कीमत चलती पी 1,30,00,000 रुपया। तो ये कितने के होने चाहिए ब्रदर अंदाजे देखते हैं होगी तकरीबन 130-135 में होगी। अच्छा कम से कम आए गेट बंद हुआ है व्यूवर, बहुत लेवल वाली फील आई है। और सबसे जो इसकी अच्छी चीज लगती है ना मुझे जो इस गाड़ी की फेवरेट है वो ये है कि जो इसका बटन है ना ये देखें, इससे आप गाड़ी के मोड चेंज कर सकते हैं। ये देखें सिविक का या दूसरी गाड़ियों का वहां पर गियर होता है उसको पकड़ा और आगे पीछे किया, लेकिन इसका वो गियर नहीं है, इसको ऐसे घुमाओ ऐसे जैसे आपको याद हो आज से कोई 10 साल पहले एक रेडियो हुआ करता था उसका जो चैनल था उसका जो चेंज किया जाता था ना वो इस तरह बड़ा सा होता था उसको घुमा के फिर चेंज किया जाता था। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, काफी लेवल की लुक आ रही है इसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो इसके ऊपर हैवल लिखा हुआ है और सामने इसकी बड़ी VIP टेक्नोलॉजी है ये सामने देखे, और इनकी इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे ज्यादातर नहीं पता। सामने इसका स्पीकर है गालबन, सामने इसकी जो है ना स्क्रीन चेक करें आप कितनी प्यारी स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के अंदर सारे सेंसर वगैरह भी लगे हुए हैं। ये देखें आपको स्क्रीन बता रही है कि आगे वाली दो सीटों के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, मतलब इसको इतना भी पता चलता है, इतनी स्मार्ट गाड़ी है। सामने चेक करें ये अगर बटन दबा दें जब गाड़ी उतराई से नीचे उतर रही होती है, अगर ये बटन दबा दें तो उस दौरान गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, अगर ये वाला बटन दबा दें तो जब बारिश आई हुई होती है गाड़ी इधर उधर स्लिप कर रही होती है, अगर ये वाला बटन दबा देंगे तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। ये बटन दबैसो तो लाइट उत्ते तले थी सी, ये बटन दबैसो तो पिछू डिग्गी खोल वैसी ऑटो। तो हूँ इडू आवे जनाब तुसा तो मीडिया वाली स्क्रीन के कितनी वड्डी स्क्रीन है भाई, वो जिवें टीवी नहीं लगा हुआ रूमों के रूम्स के लोग लेंदन तो उस टाइप की वड्डी सारी स्क्रीन है पी उत्ते, तो न्यू गड्डी तो जैसे हाल इनके पेपर खड़न थे, ये देखो मैं लहंदा नहीं लेकिन इतना दिखाता पे कहीं पेपर भी हाले खड़न थे। और इन सामने बटन चेक करो, अगर ये बटन दबा रहे AC चल सी, अगर ये बटन दबा रहे सो तो वाल थोड़ी जी अगर स्क्रीन है इनकी धुंधली थी गए तो बिल्कुल साफ थी वैसी, ये इंडिकेटर चल सन डबल, और ये क्या है उमेर ये वाला अच्छा अगर ये बटन दबा दे सो तुसा तो जो बैक शीशा अगर उन्दे फोग ये पे धुंधला थी खड़े तो वो भी साफ थी वैसे, अगर ये बटन दबा दे सो तो अगर गड्डी अगू कहीं शायद लगती पिए तो ये पार्किंग सेंसर है खुद कंट्रोल कर गए मतलब खुद गड्डी को ब्रेक ला दे सी, और अगर ये बटन दबा दे सो तो गड्डी मेरे ख्याल बंद थी वैसे क्योंकि बटन बंद थी होना लाए पिया। और मैं जैसे कुछ चीज़ दसा पिया ना ये 100% कन्फर्म कोई ना उसन क्योंकि मैं कोई इतना चीज़ों का पता कोई नहीं, मैं भी सिर्फ रिव्यू डिठे तो थोड़ा दसा पिया एक गड्डी दसेंदी पी अगले दो सीटों के उत्ते बंदे बैठन थे, तो हूँ दिखाए उमेर उत्ते उठता पे ये देखो उमेर उत्ते उठी गए
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਸਮਾਰਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਨ ਹੀ ਵੇਪਿਆ ਇਹਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਟਨ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਵਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਪਿਆ। ਉਮੇਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀਟ, ਆਟੋ ਆਟੋ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੀਟ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸਮ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੋੜੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਤਨੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਟਨ, ਇਹ ਖੁਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਏ ਪਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਿਤਨਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੈਨ ਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੀਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਛੇੜਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਰੈੱਡ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਏ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਟ ਏ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਥੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਏ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਏ ਪਿਆ, ਸਪੋਰਟਡ ਏ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਸੋ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਾਰਜ ਥੀ ਵੈ ਸੀ ਬਗੈਰ ਤਾਰ ਲਾਏ, ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੀ ਵੇ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਏ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਨਰੂਫ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੁੱਲ ਸਨਰੂਫ ਹੀ ਵੇ ਪਿਆ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਸਨਰੂਫ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨਰੂਫ ਕੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਿੱਛਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਨਰੂਫ, ਪਿੱਛਾ ਕਰ, ਹਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਸੀ ਸਨਰੂਫ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਨਰੂਫ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਤਾਂ ਬਟਨ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਛਿੱਕੋ ਤਾਂ ਸਨਰੂਫ ਪਿੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਗਾ ਛਿੱਕੋ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਆ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸਾਕੂ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਛੇੜੋ ਪਾਗਾ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਪਰੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਗਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਨਰੂਫ ਦਾ ਸਭ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਵੈਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਥੀ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛਾ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੀਟਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਈ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਓ ਪਿਛਲਾ ਸੀਟਾਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਨ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਨਰਮੋ ਮੁਲਾਇਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆਏ ਪਈ ਕਿ ਅਗਰ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਿਆ ਥੀ ਵੈਸਨ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਥੀ ਵੈਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੀ ਵੇ ਪਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ, ਇਸਕਾ ਸਨਰੂਫ ਕੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਸਨਰੂਫ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸੀ ਕੋ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਨਰੂਫ ਉਸਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਨਰੂਫ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਉਸ਼ਾਨ ਕਾ, ਉਸ਼ਾਨ ਕਾ ਵੀ ਆਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ, ਕਵਰ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਗਾੜੀਆਂ ਹੈ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਰੂਫ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਕੇ ਆਧੇ ਸਨਰੂਫ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ ਹੋਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾ ਬਟਨ, ਲਾਈਟ ਕਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਇਹ ਦਬਾਇਆ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੀਟ ਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਅਬ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਓ, ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤੋ ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹਮਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਮਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇਂ ਡਿੱਗੀ ਮੇਂ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਅਬ ਇਸਕੀ ਹਮ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲਤੇ ਹੈਂ। ਵਾਓ, ਅਬ ਇਸਕੀ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਮਨੇ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਵਿਊਵਰ, ਕਿ ਹਮ ਅਗਰ ਇਸਕੇ ਪਾਉਂ ਐਸੇ ਨੀਚੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੋ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈ, ਵੋ ਹਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸਕਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੋ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੀ ਡਿੱਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂ, ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਤੋ ਐਸੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪ ਸਿੰਗਲ ਸੋਫਾ ਵੀ ਵਿਛਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਸਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਕੇ ਸਾਥ, ਸਾਥ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਇਸਕੇ ਭਾਈ? ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਇਸਮੇਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਆਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਖੈਰ, ਯੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗਾੜੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈਂ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਇਸਕੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਪੇ ਚਲੇਂ। ਚਲੇਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ। ਵਿਊਅਰ, ਬਾਕੀ ਛੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ਸਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੇ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੋਕ ਥੀ ਵੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੈਂਦੀ, ਕੁਛ ਕੁਛ ਛਿੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਿਕ ਦੀ ਛਿੱਕਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਕਣੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਓਹੋ, ਇਸਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂ, ਇਸਕੇ ਫਰੰਟ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਪਰ ਸੇ ਆਪਕੋ ਗਾੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਆਗੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ, ਇਹ ਦੇਖੇਂ, ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਗਾੜੀ ਕੇ ਛੱਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਰਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਬੜਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ।
क्या लेवल के इसके शस्के हैं हुजूर। अभी मैं खुद इसको ड्राइव करता हूँ, चलाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि भैया चलाने में कैसी है इसके में इस जैसी पावर किसी में। ओह क्या बात है व्यूअर, क्या आपने इसका जो भाई ने जब रेस दी इसको तो जो शोर आया पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना, स्पीड ब्रेकर के बाद आपने रेस देनी। ये व्यूअर आपने मीटर देखना है और आवाज सुननी है टायरों की। चले क्या बात है व्यूअर, बस 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 आगे आगे किसी चीज को लगने वाली है। क्या शस्के हैं यार। अच्छा हम जो है ना सिविक 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 करते हैं, लेकिन ये सिविक से ना आला दर्जे की गाड़ी है, क्योंकि सिविक जो है ना 100 की स्पीड मेरे ख्याल में। चेक करो आवाज आई आप लोगों के पास, हमारी सिविक जो है ना तकरीबन 100 की स्पीड जो है ना वो 8-10 सेकंड में करती है, लेकिन ये 4-5 सेकंड नॉर्मल मोड पे चल रही है। अच्छा इसके बाद जो इसमें आएगा वो आएगा स्पोर्ट्स मोड। अच्छा स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर होता है, सब मोड होते हैं। अच्छा ये ड्राइविंग मोड हो गया, ये पार्किंग मोड हो गया, पेपर लगा हुआ है सही नजर नहीं आ रहा। हां हां तो मोड यहाँ से भी चेंज होते हैं ना? नहीं यहाँ से मोड नहीं चेंज होता। अच्छा इसका मोड इसके स्क्रीन से चेंज होता है। चेक करें व्यूअर ये देखें, आपको बता रही है अगर आप गाड़ी मोड़ेंगे तो यहाँ से इतनी देर तक मुड़ जाएगी। ये देखें साइडों से भी दिखा रही है आपको इस गाड़ी के शस्के। चेक करें व्यूअर आप इसका कैमरा चेक करें, ये आपको साइडों से टायर भी दिखा रहा है कि आपके टायर कैसे लग रहे हैं, मतलब टायर का प्रेशर कितना है। अच्छा भाई ये गाड़ी कितनी चली हुई है? ये चली हुई है 4000 किलोमीटर बस, सिर्फ 4000, सिर्फ 4000 चली हुई है। 23 मॉडल है, इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वहाँ पर ले चले जहाँ पर रश ना हो, हमने इसको टेस्ट ड्राइव करना है। जी जरूर। यहाँ पर तो व्यूवर बहुत ज्यादा रश है और ये इतनी महंगी गाड़ी है और मैंने इसको कभी ड्राइव नहीं किया, तो इसको क्या बात है बॉस। जब रेस देते हैं ना तो आपको पता नहीं इसका टायरों का शोर सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता, लेकिन हमें सुनाई देता है। और इसकी जो सस्पेंशन है ना वो तो आउट क्लास है, प्रॉपर व्हील स्पिन देती है। जीरो से अगर अगर आप इसको उठाएं तो ये प्रॉपर व्हील स्पिन देती है। व्हील स्पिन मेन मतलब इसके टायर स्किड पावर इतनी होती है इसमें, मतलब स्लिप करते हैं टायर, टायर स्लिप करते हैं पूरे थ्रॉटल अगर आप दें। सही 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 सही। मतलब है कि व्यूअर तो सा बिया गड्डिया डिटे वसन खड़ी जाते अगर तो सा ज्यादा रेस दे देवे। चेक चेक करो चेक चेक लेके हम 70 तक आ गए हैं और ये अभी तक उसके व्हील स्पिन कर रहा है। क्या वो टायर टायरों की स्मेल आ रही है कि मतलब इतना ज्यादा वो स्लिप कर रहे हैं। क्या कहने बॉस, मतलब इसकी पावर का अंदाजा आप इसके स्लिप से लगा सकते हैं, आप इसकी आवाज से लगा सकते हैं कि मतलब आप इसको अगर गाड़ी सफर में भी है चल भी रही है अगर आप उसको रेस दे रहे हैं तो टायर स्लिप कर रहे हैं उसका रोड के ऊपर। अच्छा इसी में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन होता है, अगर आप उसे ऑन कर दें तो फिर ये व्हील स्पिन नहीं करती। अच्छा मतलब स्लिप नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी। अभी मैंने उसको ऑफ किया हुआ। अच्छा आपने अब उसको ऑफ किया हुआ है, अगर वो ऑन कर देंगे स्लिप नहीं करेगी? वैसे ऑन ही होती है, ट्रैक्शन ऑन होती है इसकी। अच्छा बाय डिफॉल्ट अगर आप उसे ऑफ करें तो फिर ये व्हील स्पिन करती है। ओके जैसे कहीं बर्फ वगैरह में गाड़ी फंस जाती है या किसी पानी में फंस जाती है तब वो तब आप इसको ऑफ करें तो उसका टायर पूरा घूमेगा तो वही निकलेगी ना। सही अगर वो ऑन रहेगा तो फिर टायर रुकता रहता है, गाड़ी आपकी बाहर नहीं निकल सकती। हूँ मैं थोड़ी कहना पे गड्डी का रिमोट, क्योंकि रिमोट अगर हाथ च हो ना उनकी भी एक अच्छी फील आती है। तो चेक करो तो सही रिमोट कितनी प्यारी लुक रहता है, खूबसूरत जिम्मे छोटा जहाँ स्मार्टफोन नहीं होता उस टाइप की लुक है पी। और इन उत्ते बटन बने हुआ है एक अलार्म का, अगर ये दबा दसो तो आवाज अलार्म देसी गड्डी, अगर ये दबा दसो तो लॉक थी गड्डी, अगर ये दबा दसो तो गड्डी डिगी खुल वैसी, अगर ये बटन दबा दसो तो गड्डी अनलॉक थी वैसी। तो खूबसूरत जी इन रिमोट है पे पिछू हैवल दी ब्रांडिंग दी गई इन उत्ते। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी है, ब्लाइंड स्पॉट लाइट चलती है कि जैसे ही आपके शीशे मतलब राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कोई भी आएगा। अच्छा। और आपको वो शीशे में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसकी एक लाइट ऑन हो जाती है शीशे में जो आपको इंडिकेट करती है कि आपके राइट साइड में कोई चीज है। अच्छा बात, मतलब वो कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही तो इसका शीशा हमें इंडिकेटर देता है, इशारा करता है कि भी आपके राइट पे कुछ है जो आपको दिख नहीं रहा। जी एग्जैक्टली। क्या बात है क्या बात है, बॉस लेवल के ऑप्शन है यार इसके। मुझे ना गाड़ियों के ना जो टेक्नोलॉजी होती है ना एडवांस टेक्नोलॉजी वो बहुत पसंद होती है, जैसे कि इसके अंदर हैं बड़े बड़े प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं। मैंने देखा ना मेरे को ट्रैक्शन ऑन की हुई है, अभी स्लिप नहीं कर रही गाड़ी, स्लिप नहीं कर रही। अभी भाई जान ने ना वो बटन दबाया हुआ है जिससे ये ना गाड़ी अब स्लिप नहीं करेगी, वरना अदरवाइज जो पहले रेस दे रहे थे तब जो है ना इसका स्लिप कर रहे थे टायर, लेकिन वो मजा आ रहा था, बड़ी फीलिंग आ रही थी जब स्लिप कर रही थी जब ये रेस दे रहे थे और टायर के ऊपर टायर स्लिप कर रहे थे और शोर आ रहा था टायरों का, तब लोग खड़े होकर देख रहे थे कि भाई ये किस चीज का शोर आ रहा है, जहाज जा रहा है।
अब ये देखें गाड़ी आपको पीछे से भी दिखा रही है कि आपके इर्द गिर्द गाड़ी के क्या चीज़ है। ये देखें ऐसे लग रहा है गाड़ी के ना छत के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ऊपर से भी दिखा रही है। देखें राइट साइड से आपको दिखा रही है कोई चीज़ यहाँ पर थी जो आप गाड़ी को टच होने वाली थी। ये चेक करें, भाई ने स्टेरिंग को इस तरफ घुमाया है तो ये बता रही है अगर आपको इतना घुमाएंगे तो ये गाड़ी यहाँ तक जाएगी। ये देखें लाइन अब सीधी होती जा रही है क्योंकि वहाँ से स्टेरिंग सीधा हो गया। ये जो हाइब्रिड गाड़ी है ये बैटरियों वाली है जी? ये एचईवी है। अच्छा एचईवी मीन मतलब हाइब्रिड ही कहलाती है। अच्छा तो इसकी एवरेज कितनी होती है तकरीबन? एवरेज इसकी आपको शहर में मिलेगी तकरीबन कोई 16 से 17 किलोमीटर आपके ड्राइविंग उसमें डिपेंड करता है ना। अगर लॉन्ग रूट पे जाए तो फिर इसकी कितनी एवरेज होगी तकरीबन? लॉन्ग पे अच्छी होगी कितनी तकरीबन? बल्कि लॉन्ग पे और शहर में तकरीबन इनकी हाइब्रिड जितनी गाड़ियां होती हैं सेम ही होती है। क्योंकि शहर में आप हल्के पांव पे चल रही होती है गाड़ी उसमें आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। सही स्पीड पे जाते हैं तो फिर आपका इंजन भी ज़्यादा यूज़ होता है, बैटरी कम यूज़ होती है। मुझे ड्राइव करने में कैसी लगती है? आपका भाई गाड़ी की फ्रंट सीट पे ड्राइवर सीट पे आ चुका है। मेरी आपने कैमरा मैन करनी है अभी, गियर कैसा लगा? ब्रेक दबाई हुई है मैंने। चले माशाल्लाह व्यूअर। अच्छा इसके और फीचर मैंने दिखाया नहीं है, कैमरा मेरे को दिखा इनकी स्क्रीन ते तुसा देखो स्क्रीन दे उते थाको नंबर नजर आंदे पेन, ये स्पीड वाले नंबर हैं पर गौर ना देखो स्क्रीन दे उते ए रोड दे उते थाको नजर आंदे पेन, ख्याल ना देखो गौर करके ए चेक करो हुन नजर आन 19 20 21 22 इसको हेड अप डिस्प्ले कहते हैं। अच्छा ये मतलब है कि हमें मीटर पे देखने की जरूरत नहीं है, नहीं आप स्क्रीन पे ही देखें अपना सुकून से गाड़ी चलाएं और हां सीधा स्क्रीन पर देखें और आपको दिखता रहता है कि आप किस स्पीड में जा रहे हैं, कौन सी स्पीड में जा रहे हैं, स्क्रीन आपको दिखा रही है। क्या बात है बॉस क्या बात है, इस गाड़ी की पिक तो लेवल की है ना, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है ना इसका। मैं कहता था कि भाई सिविक की पिक बहुत ज्यादा है लेकिन जब इसकी पिक देखी है ना तो खैर मेरा तो इतना हौसला नहीं है कि मैं इसको उसी तरह चलाऊं जिस तरह सिविक को चलाता हूं, क्योंकि जब तक गाड़ी के बंदा पेमेंट ना कर लेना तब तक दिल में एक झिझक सी लगी रहती है। तो जब लेंगे तो इंशाल्लाह, अभी इसका तो मजा आ रहा है यकीनन ड्राइव करने का। इशारा कहाँ लगा? अब हमने जो है ना गाड़ी पार्किंग में लगानी, तो कैसे लगाएंगे? अगर ये बटन दबाया तो अब ये पार्किंग में चलेगी, ये बटन रेड हो चुके हैं, हैंड ब्रेक लग चुकी है, बंद कहाँ से होगी? यहाँ से। अच्छा ये इसका स्टार्ट और स्टॉप बटन खड़ा हुआ है तो यहाँ से अब ये गाड़ी बंद हो चुकी है। और अब इसकी चल के कीमत पूछते हैं और उसके बाद फैसला करेंगे। जो मेन चीज़ है इस गाड़ी की वो है कीमत, क्योंकि भाई बगैर पैसों के तो आपको पता है हाथ ही ना लगाने दें, कपड़ा भी ना मारने दें इस गाड़ी के ऊपर। गाड़ी चली गई अंदर बॉस, अब हम बातें करेंगे अपनी गाड़ी में। ठीक हो गया सर, चले। इसका रेट क्या है और ये क्या क्या चीज़ें हैं इसकी? चले सर। ठीक हो गया, चले। अच्छा ब्रदर, अब ये हमें गाड़ी किस रेट पे मिलेगी फुल एंड फाइनल? आपको मिलेगी 132 में। 132 मतलब 1,32,00,000। देखे ना कि 1,24,25,00,000 की इनवाइस है अगर आप गाड़ी बुक करवाते हैं, 6 महीने बाद जाके आपको गाड़ी मिलेगी, फिर आप नंबर लगवाएंगे। अगर 6 महीने में आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है ठीक है तो हैवल वालों को आपको वो भी पे करनी पड़ेगी। अच्छा मतलब बेहतर नहीं है कि आप हाजिर गाड़ी लें? 2023 मॉडल है, 3000 चली हुई है गाड़ी, बिल्कुल जीरो, ब्रांड न्यू किस्म की गाड़ी है, इस्लामाबाद का नंबर भी लगा हुआ है। सही। आज पैसा भरे, आज इंजॉय कर, वो वेट वाले चक्र में ना पड़े, बुकिंग वाले चक्र में ना पड़े, नंबर लगवाने की कोई टेंशन ना, इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, घर की गाड़ी है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, गाड़ी आपने देख ली है, सारी तसल्ली कर ली है। गाड़ी की तो फुल तसल्ली है, अगर गाड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। व्यूअर्स आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने आपसे कोई पर्दा नहीं रखा, क्योंकि उमर भाई जब भी आते हैं कोई ना कोई जो पंगा डाल लेते हैं हमारे गले में। ये बड़ी गाड़ी को जो शस्के है ना ये उमर भाई ने डाले हैं, इनके शौक हमें इन्हीं से पड़े हुए हैं। जो पैसे हों बंदे को इंजॉय करना चाहिए, पैसों को इंजॉय करना चाहिए, मतलब लाइफ इंजॉय करे। सही बात है। चले व्यूअर्स आप हमें मशवरा दीजिएगा, आपको गाड़ी कैसी लगी, इसके ऑप्शन कैसे लगे, आपको इसका रेट कैसा लगा, वो हमें कमेंट्स में राय दीजिएगा और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद हम लेंगे डिसीजन और डिसीजन जो भी होगा फिर आपको बता देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम आए हुए हैं बन्नू पुलाव पे, बन्नू पुलाव आ चुके हैं, उतने रायता सट गिन लें क्योंकि बन्नू पुलाव का मजा मजे आते जल्द उतने रायता हो पेता माशाल्लाह। खाने होता साथ बस मिला इकट्ठे खाने, पहली चमची चावल ते बोटी खाने तो पहले चलते सांगा नहीं तो वाले साथ ही खाने पे बन्नो पुलाव खाने दे बाद असाए खड़े सोफे वाला दुकान आ देते इथे सा को मिलसन सोफे क्योंकि ऐसा बैठक दे विच लाउणा चाहंदे पे वीआईपी सोफे क्योंकि तो पता सारी बैठक बाकी तक क्लियर थी चुकी है लेकिन उन्हें सिर्फ सोफे की कमी है भाई इथे वीआईपी सोफे इन पे तय पसंद करे ने दोस्तों बाद डिसीजन के सो अपनी बैठक को छकास बनावणा खूबसूरत बनावणा जो धूल मिट्टी है ना नहीं
नजर आएंगे। मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ, कलर चार है। अच्छा, कलर चेंज हो जाए। ये ग्रीन कलर भी है इसमें। अच्छा, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, डिजाइन की बात कर रहा हूँ। Okay, जैसे ये डिजाइन था मुझे ये नहीं पता। ये कितने का है वो पूछ लेते हैं, आप पहले बैठे चेक करें इसकी, फिर क्वालिटी पता करेंगे ना कौन सी लकड़ का बना हुआ है। कंफर्टेबल है, काफी खूबसूरत प्यारे प्यारे डिजाइन लगे हुए हैं। व्यूअर हमने ना ये वाले सोफे पसंद किए हैं, ये वाला कलर, एक ये वाला कलर और दूसरा वो वाला कलर, क्योंकि हमारी दीवारें जो है ना अलग अलग कलर की है ना, तो हमने ये वाले पसंद किए हैं। मजीद आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा इनमें से डिज़ाइन पसंद है, वो वाले हम लेंगे। अभी हम ले नहीं रहे, लेने दोबारा आएंगे मुल्तान इंशाल्लाह, फिर उमर भाई भी साथ होंगे। आजकल ये वाली चीज़ ना ट्रेंडिंग में चल रही है। टाइम हो रहा है पूरे 9 का, यहाँ पर वीडियो अपलोडिंग का टाइम हो गया था, वीडियो अपलोड की, वीडियो अपलोडिंग के बाद अब हम हो चुके हैं फ्री। और उमर भाई हम आपसे लेते हैं इजाज़तें, गाड़ी का जो हमारा डिसीजन होगा, व्यूवर्स की राय होगी, कमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे, जिस गाड़ी का मूड बनेगा फिर आपको बताएंगे और इकट्ठे फिर लेंगे गाड़ी को। इंशाल्लाह ठीक हो गया, अभी हमें इजाज़तें दे दें आप। थैंक यू सो मच। चले आ जाए फिर। ये व्यूवर प्राडो खड़ी है, इस साइड पे रिवो डाला खड़ा है जनाब, और ये मेरे ख्याल में होंडा की कोई है, ये होंडा ही है। अच्छा, मेरे व्यूवर का ज्यादा मशुरा रोको का भी होता है कि भाई रोको ले लो। रोको का लेटेस्ट मॉडल आया जी आर। अच्छा, अच्छा इसके अंदर क्या चेंजिंग है? अंदर एक ब्लैक रूम आया। अच्छा, अंदर भी इसकी ब्लैक आई है। अच्छा, छत भी ब्लैक है और ये सामने से ये भी ब्लैक है। काफी सारी बॉडी में चेंज किया है। ये हमारी वैसे रेंज से फिलहाल ऊपर जा रहा है। ये कितने का है? 175 हाँ ना, उस दिन भाई ने बताया था मुझे, लेकिन ये हमारे फिलहाल रेंज से ऊपर है। सिविक सारी इंतजार करें दिखाई है सारा।